झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी अब तक 8 समन भेज चुकी थी। इस पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना जवाब दिया है। हेमंत सोरेन ने ईडी को बताया है कि वो 20 जनवरी को सीएम आवास आकर उनका बयान दर्ज कर सकती है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसी कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्टाफ के जरिए ईडी को अपना जवाब भेज दिया था। सीएम हेमंत सोरेन का जवाब लेकर सचिवालय का स्टाफ ईडी ऑफिस पहुंचा था। गौरतलब है कि ईडी ने सीएम को बयान दर्ज कराने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का समय दिया था। इन 5 दिनों में 2 दिन के अंदर उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए समय और जगह बताने को कहा गया था। साथ ही चेतावनी भी दी गई थी कि अगर वो बयान दर्ज कराने नहीं आएंगे तो ईडी खुद उनके पास आएगी। ईडी ने मुख्यमंत्री को भेजी गई चिट्ठी को समन समझने को कहा था। सीएम को भेजी गई ईडी की चिट्ठी में कहा गया था कि कानून सबके लिए बराबर है। जल्दी आइए। ठीक है। इस कार नहीं बनाएंगे। ये मुस्लिम थे ना गाड़ी लेकर जाते थे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जवाब दर्ज कराने के बाद स्टाफ ने स्वीकार किया था कि वो सीएम ऑफिस से आया है। कहाँ से है? आप कहाँ से हैं? हम सीएम ऑफिस से। लंबे अरसे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी बार बार समन भेज रही थी। अब सीएम हेमंत सोरेन ने खुद बयान दर्ज कराने के लिए 20 जनवरी का समय दे दिया है। अब 20 जनवरी को ही पता चलेगा कि सोरेन ने ईडी के सवालों का क्या जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। लेकिन ये सब ठीक।